ब्रह्म का मतलब होता है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते, जो अत्यंत बृहत है और जो दूसरे को बृहत बना देता है उसको ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, सर्वेश्वर। वेदों के द्वारा जिस परम तत्व का प्रतिपादन किया गया वो परम तत्व ब्रह्म। इसीलिए वेदांत में सर्वप्रथम ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है, ब्रह्म कौन, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा जीव करता है और शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों के उपदेश से उसकी ब्रह्म जिज्ञासा का समन होता है और वो ब्रह्म को जान पाता है। तो ब्रह्म माने परमात्मा। इसीलिए श्री जगन्नाथ भगवान को दारु ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म परमात्मा दारु के रूप में, लकड़ी के रूप में विराजमान, दारु ब्रह्म। एक महात्मा ने कहा, महाराज ये भगवान लकड़ी के क्यों हो गए, वो भी सूखी लकड़ी के। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो भगवान के विषय में ही चर्चा करके मनोविनोद भी कर लेते हैं। उनके मनोविनोद आनंद का विषय भगवान ही होते हैं। तो किसी ने पूछा, ये भगवान सूख कर लकड़ी क्यों हो गए, भगवान तो बड़े सरस हैं, रसो वैसा जो रसरूपा। तो महात्मा ने उत्तर दिया कि बात ऐसी है कि भगवान से ही किसी ने पूछा कि भाई आपकी ये स्थिति क्यों ऐसी हो गई। तो महात्मा भगवान के तरफ से कहते हैं कि भगवान की दो पत्नियां, एक सरस्वती एक लक्ष्मी, इन दोनों पत्नियों से ठाकुर जी थोड़ा परेशान हो गए। क्या परेशानी हुई? तो कहते हैं, एका भार्या प्रकृति मुखरा। एक भार्या जो सरस्वती है वो प्रकृति मुखरा है, तो बहुत बोलती है, सरस्वती का काम ही बोलना। चंचला च द्वितीया, द्वितीय पत्नी जो लक्ष्मी है वो चंचला है, वो स्थिर नहीं रहती। अब जिसकी भार्या स्थिर न रहे तो उसको तो थोड़ी परेशानी होगी। पहली भार्या मुखरा, दूसरी चंचला, और बेटा बोले पुत्रश्चैको भुवन विजयी। भगवान का जो पुत्र है वो कौन? बोले प्रद्युम्न जी महाराज, कामदेव के अवतार है। और कौन है? बोले भुवन विजयी। ऐसे पुत्र, पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः। मन्मथ कामदेव ही जिनका पुत्र है, और इस कामदेव के कारण भी ठाकुर जी को उलाहना सुनना पड़ता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब यही कहते हैं, काम तो बड़ा अटपट है। तो अपने पुत्र की उलाहना सुनते सुनते ठाकुर जी परेशान, पत्नी की चंचलता, पत्नी की प्रकृति मुखरता, पुत्र की उलाहना, और शेष सैया भुवन मुदधि, और शेष की सैया है, और निवास कहाँ है? बोले समुद्र में, भुवन मुदधि समुद्र में घर। वाहनम पन्नगारी, और भगवान के वाहन कौन है? बोले पन्नगारी गरुण। गरुण और सांप की लड़ाई रोज घर में होती, थोड़ा सा ठाकुर जी चूक जाएं तो गरुण जी शेष जी के ऊपर हमला कर दे। वाहन और आसन की लड़ाई। तो संत कहते हैं, स्मारम स्मारम स्वगृह कलहम। अपने घर के इस कलह का बार बार स्मरण करते करते ठाकुर जी दारुभूतो मुरारी, सूख करके लकड़ी हो गई। जिसके घर में रोज कलह हो तो बेचारा सूख जाएगा। भक्त कहते ठाकुर इसीलिए लकड़ी हो गए, दारु ब्रह्म हो गए।
तो जगन्नाथ भगवान दारु ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, सर्वेश्वर, और ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा ही वेदांत का मुख्य विषय है। और वही ब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के विविध लीलाएं कर रहे हैं। श्री राम कथा ब्रह्म की विवेचना है, ब्रह्म का व्याख्यान है। श्री रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण वेद वेदांत के तत्व को रामायण के रूप में प्रस्तुत किया। ये रामायण वाल्मीकि महर्षि जी की रचना, ये आदि काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था। ये 18 पुराण, अनेक संगीताएं, अनेक रामायण, ये सब बाद में बनी। सर्वप्रथम इस धरती पर कोई काव्य प्रकट हुआ तो वो काव्य रामायण काव्य, जिसकी कथा 9 दिन हम आप श्रवण करेंगे। इसकी महिमा को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि महिमा को जानने पर ही श्रद्धा बढ़ती है और प्रीति बढ़ती है। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो ये रामायण महाकाव्य आदि काव्य है, और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। आदि कवि का गौरव वाल्मीकि जी को प्राप्त है, इसीलिए रामायण की आरती में हम लोग गाते हैं, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और ये वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि के रूप में अवतार लेकर रामायण की रचना की, और ये रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब राम जी अयोध्या की धरती पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे, राम जी की राज्य लीला चल रही थी। बाकी जितनी रामायण है वो सब रामायण बाद में लिखी गई, राम जी के अवतार के हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद। लेकिन ये रामायण उस समय की रचना है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। और सच पूछो तो रामायण नाम इसी ग्रंथ का है। बाकी राम जी के विषय में जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी कथाएं बाद के आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने लिखी, उसको भी रामायण कहा गया और कहा जाता है। लेकिन ये रामायण नाम तो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की रचना का है, इसीलिए अन्य जितनी रामायण है उन सब के आगे विशेषण लगता है। आनंद रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, सुख रामायण, लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब महर्षि वाल्मीकि की रचना। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा का वर्णन किया है। और राम कथा के संदर्भ में जितने ग्रंथ दुनिया में हैं, कहीं भी किसी भी देश में किसी कवि ने राम जी के विषय में जो कुछ लिखा है वो सब महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रसाद प्राप्त करके लिखा। समस्त राम कथा का उपजीव्य काव्य श्री रामायण है। सारी दुनिया को राम कथा का सूत्र और मूल स्वरूप रामायण से ही प्राप्त हुआ,
फिर अपनी अपनी भावना के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल, चिंतन के अनुकूल उस विषय का लोगों ने विस्तार किया, लेकिन मूल रूप रामायण है। परम प्रामाणिक ग्रंथ रामायण वेदावतार, महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना उस समय की जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी की रामलीला चल रही थी, राजलीला चल रही थी, और फिर समय आने पर